26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए लगातार पंजाब से लाव लश्कर के रूप में ट्रैक्टरों का दिल्ली जाना जारी है। ट्रैक्टरों के साथ महिलाएं, किसान अपने बच्चों के साथ ट्रैक्टर चलाकर परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया हुआ है। यह ऐलान उन्होंने कृषि कानून के विरोध में किया है। यहाँ यह भी बता दें कि कुछ किसान एक ट्रैक्टर के पीछे कई ट्रैक्टर लाइन में बांधकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में 5 लाख ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। दिल्ली की सड़कों पर 26 तारीख को ट्रैक्टर नजर आएंगे और वहां अपना वह हक लेकर ही वापस आएंगे। पंजाब के विभिन्न शहरों से पानीपत टोल प्लाजा पर रुके ट्रैक्टरों को देखकर अभी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि 26 जनवरी की परेड में किसानों द्वारा निकाले जाने वाले ट्रैक्टर यात्रा में लाखों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल हो सकते हैं। इस मौके पर महिलाएं वह ट्रैक्टर पर सवार होकर परेड में शामिल होने की तैयारी कर रही है। उनका भी एक स्वर में यही कहना है कि 26 तारीख को परेड में शामिल होकर अपना हक लेकर ही वापस लौटेंगे। महिलाओं के साथ बच्चे भी ट्रॉली में सवार होकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों ने डीजल का खर्च बचाने के लिए ट्रॉलियों में भी दो दो ट्रैक्टर लाद रखे हैं और साथ में ट्रैक्टरों की लंबी चैन बनाकर एक दूसरे से बांधकर दिल्ली बॉर्डर पर ले जाया जा रहा है। बताते चले कि किसान पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और कृषि कानूनों का विरोध जाहिर कर रहे हैं। किसानों और सरकार की कई बार वार्ता हो चुकी है लेकिन कोई बात नहीं मिल रही। आलम यह है कि किसान दिल्ली में ठंड की परवाह किए बिना आंदोलनरत है। किसानों का कहना है कि कृषि बिल कानून रद्द ना होना आंदोलनरत करते रहेंगे। बताते चले कि दिल्ली में 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड में शामिल होने के लिए लगातार पंजाब से ट्रैक्टरों का दिल्ली पहुंचना जारी है। किसानों के साथ महिलाएं भी बच्चों के साथ ट्रैक्टर चलाकर परेड में हिस्सा बनने जा रही है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया हुआ है। वापस दिलवाने के लिए जा रहे हैं, हम 26 के बाद वापस आएंगे और परेड में हिस्सा लेंगे। तो ट्रैक्टर परेड में आप सभी हिस्सा लेने जा रहे हैं? हाँ जी, सभी जाएंगे, हिस्सा लेंगे, सभी लेंगे। हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, सभी साथ में हैं। शाहबाद नलवी से हैं, शाहबाद से आए हैं, सभी जाएंगे। नाम क्या? नाम मेरा नवनीत। तो आए हैं जी तहसील फलौर, पिंड मौसा, भुल्लर, बौड़ा, ये तिना पिंड तो आए हैं। 40 ट्रैक्टर ले गए हैं जी, तो एक मगर शीशे पाए हैं जी, ट्राली से तीन लगे हैं ना जी, 40 ट्रैक्टर ले गए हैं। तो दिल्ली चले हैं जी 26 तरीक की परेड में। सरकार ने प्रस्ताव दिता है भी असी कानून तो रोक लाने हैं 2 साल वास्ते, तो फिर नहीं जी सानू रोक नहीं चाहिए, सानू रद्द चाहिए। अभी रोक से कोई यकीन नहीं करते सरकार से, इन्हों का कोई भरोसा नहीं है। 2 साल का मसला की है जी, जब अही पहले क्या भी रद्द कराने तो कराने रद्द है। नहीं नहीं, कहीं बीच का रास्ता तो निकलना चाहिए। बीच का रास्ता कोई नहीं है जी, बीच का रास्ता क्या है, यही रास्ता क्लियर है किसानों का। जे सभी किसानों का यही एक मांग है कि कानून रद्द चाहिए, हमें मंजूर नहीं है। पंजाब से काफ़ी ट्रैक्टर जा चुके हैं, कि कितने ट्रैक्टर हो जाएंगे परेड के अंदर वहाँ पे? भाई 5-7 लाख का नॉर्मली चीज़ है जी, क्योंकि आ बहुत रहे हैं अभी। परसों के ट्रैक्टर जन के आ रहे हैं जी, आज 40 ट्रैक्टर तो साढ़े आ जी, तो हजे देखो जी माझे तो 400-500 ट्रैक्टर तुरे आया, अज साडे एरिए ट्रैक्टर तुरने हैं लखा दे, कई लखा हिसाब आना जी ट्रैक्टर को, गिनती नहीं रहनी जी, दिल्ली में सह नहीं आऊगा। इन्ने ट्रैक्टर आने, जे मोदी नहीं मानता तो इतने ही ट्रैक्टर आने जी, लगातार आने, मना के जावे हक लेके जावे। ना की तुहाडा? मनदीप सिंह। आ रहे हैं जी, सिंधु बॉर्डर जाएंगे और अपने जो तीनों कानून है वो उनको वापस करवा के ही आएंगे वापस। हाँ जी, तब तक वहीं रहेंगे। अब ट्रैक्टर चला के जा रहे हो तो क्या परेड में शामिल हो गए आप? हाँ जी, परेड में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कितनी महिलाएं हैं साथ में आपके? 10-12 हैं जी। क्या नाम आपका? सुखविंदर कौर। मेरा नाम नीता है, हम पेहवा से गाँव बाखली से आए हैं और हम सिंगू बॉर्डर जा रहे हैं और हम 26 तारीख की परेड में शामिल होंगे। अब दिल्ली की सड़कों में अब ट्रैक्टर चलेगा 26 तारीख को। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.